मेरा नाम सोनर ब्रह्मभ्ट है और मैं एम में करीबन साढ़े चार साल से काम कर रही हूँ वैसे तो फील्ड ऑर्गेनाइज़र के आ, है मेरी भूमिका और जो स्लम डेवलप अभी जो करने आए थे ना वो स्लम एक्शन प्लान था कि स्लम डेवलपमेंट में हम प्लानिंग के साथ आगे कैसे बढ़े वही था जो आपने अभी देखा वो आ, चार एक्टिविटी थी पहले तो ऐसा था कि दो तीस चालीस पैंतीस जितने होते हैं तो उसको बोलते हम हिस्ट्री बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि उनसे पुराना उनका जो पास्ट का सिचुएशन है स्लम की और जब वो कितने सालों से रहने आए और उन्होंने क्या क्या ऐसे कैसे कैसे दिक्कतें आई जब आए तब वो स्लम की सिचुएशन कैसी थी इस तरह से उनके थ्रू उनका जो है वो निकालते हैं और करीब शायद पचास साल पहले आए चालीस साल पहले आए तब सिचुएशन क्या था अभी का क्या है कितने कितने इंसिडेंट्स हुए और पहले क्या था अभी क्या था वो डिफ्रेंसिस के लिए अभी ये जो पहली एक्टिविटी वो करते हैं और उसके बाद एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं के स्टडी की फॉर एग्जांपल एक चार्ट था चार्ट में हमने उनको बारह कार्ड दिए थे उनको एक पहले हम एक स्टोरी एक बोलते हैं और फिर ब, आ, उनको पूछते हैं कि एक सिचुएशन बताते हैं उनको और एक एग्ज़ाम्पल ही देते हैं कि आपके एरिया में आपको कोई भी करनी है कोई भी समस्या है उसका आपको सॉल्यूशन करना है जैसे पानी का है गटर का है या शौचालय का है तो आप किस प्रोसेस से गुजरेंगे वहाँ से तो उनके मुँह से थोड़ा उनको आइडिया देते हैं का जो बारह कार्ड है उनको फिर रीड करते हैं बताते हैं कि कौन से कार्ड कौन से नंबर पर आएगा तो फिर उनको थोड़ा समझाते हैं उसके बाद वो खुद बहने खुद ही वो बारह कार्ड का जो चार्ट है इसमें रखते हैं कि पहले हम क्या कर देते तो पहले बस्ती का सर्वे करते हैं फिर उसके बाद क्या होता है बस्ती का सर्वे करके तुरंत ही शौचालय बनाना चालू करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है फिर लोगों की सम्मति देते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप सब उनको आ, सिखा के फिर वो बारह कार्ड है वो वहाँ पे स्टिक करते हैं तो उनको पता चलता है क्या शौचालय बनाने के लिए हमको कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है ऐसा इजीली काम नहीं होता है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब होता है तो दूसरी एक्टिविटी वही थी और जो थर्ड एक्टिविटी थी ना वो आपने देखा होगा कि होर्डिंग्स था कि आप अपने एरिया के नेता हो तो आप क्या करेंगे तो आ, उनको बोला कि आपको आपको एरिया में जो समस्या आपको लगती है वो आपको खुद जाके कार्ड में लिखना है और खुद जाके हैंग करना है तो उनको भी लगे कि हाँ मैं यहाँ पे एक लीडर हूँ लीडर के तरीके से मैं मुझे यहाँ पे सब करना है और मुझे खुद जाके वो वहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम है मुझे वो टेंगाना वहाँ पर रखना है हमारा जो काम है वो वन बाय वन जितने भी उनकी समस्या आई जो भी काम उनको करना है वो रीड करते हैं इसमें से कौन सी समस्या ज़्यादा आई फॉर एग्ज़ाम्पल गटर की दस आई है तो उसको अलाइट करते हैं पानी क्या आती है लाइट क्या आती है और फिर उसको काउंट करके बोलते हैं कि आपके एरिया में ये चार पांच समस्या है जिस पे हमको काम करना है ठीक है फिर वो ख़त्म हो जाती है एक्टिविटी बाद तो पता है कि पांच समस्या को हमको यहाँ फॉर एग्जांपल भगवती नगर में करनी है तो पांच लोगों के लिए कौन काम करेगा वैसे हम तो हेल्प हेल्प कर सकते हैं उनको पर एरिया में जो है उनको ही देखना पड़ेगा तो लीडर बनाते हैं इसके लिए जो बड़े वाला जो चार्ट था इसमें दो बहनों को हम रिस्पॉन्सिब लेते हैं कि गटर के लिए कौन करेगा पानी के लिए कौन करेगा और बहनें खड़ी होती है उनको रोल समझा देते हैं कि गटर के पानी के लिए जो भी है हम आपके साथ हैं आपको ये जो है वो समस्या का आपको सोल्यूसन करना है इस तरह से उनका ये जो एक्टिविटी करने का हम इंटेंस ऐसा था कि इसलम में क्या समस्या है और समस्या को बाहर निकालते हैं और वही समस्या में कौन काम करेगा वो बहने कौन लीडरशिप लेगा वही उसका एजेंडा है वही है कि इस तरह से हम आगे जाएंगे नेक्स्ट